हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है मैं यहाँ पे tan इनवर्स और cot इनवर्स को अलग अलग निकालता हूँ पहले हम निकालते हैं tan इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ y के इक्वल tan इनवर्स को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये आ जाएगा tan y इक्वल टू रूट थ्री हमें पता है कि tan 60 डिग्री होता है रूट थ्री तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री इस डिग्री को मैं कन्वर्ट करता हूँ पाए में पाए में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे पाए बाय वन एट्टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा पाए बाय थ्री यानी थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय थ्री अब इस टेबल में देखें हम तो यहाँ पे टैन के केस में मेरी रूट थ्री पॉजिटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू में मेरा यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू होगी थीटा क्योंकि रूट थ्री पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी थीटा यानी पाई बाय थ्री तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आ गई मेरी पाई बाय थ्री इसको शो करने के लिए मैं यहाँ रूट थ्री की जगह डालता हूँ टैन ऑफ पाई बाय थ्री हम यहाँ पे ये लाइन लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ टैन इनवर्स होता है माइनस फाइव बाई टू से लेके फाइव बाई टू तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा फाइव बाय थ्री यानी टैन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू आ गई फाइव बाय थ्री अब हम यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू निकालते हैं ये निकालने के लिए मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ एक्स के इक्वल कॉट इनवर्स को लेफ्ट साइड ले जाऊँ तो ये आ जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री अब हमें पता है कि tan 30 डिग्री होता है वन बाय रूट थ्री तो cot 30 होगा वन बाय टेन थर्टी यानी रूट थ्री की इक्वल यानी हमारी थीटा की वैल्यू आ गई थर्टी डिग्री इस डिग्री को मैं कन्वर्ट करता हूँ पाए में पाए में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे पाए बाय वन एट्टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये वैल्यू आएगी पाई बाय सिक्स यानी थीटा की वैल्यू है पाई बाय सिक्स अब मैं इस टेबल में देखें तो कॉड की टर्म्स में मेरी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि माइनस रूट थ्री है तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा क्योंकि माइनस रूट थ्री यानी ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा थीटा हमारा पाई बाय सिक्स है तो ये आएगा पाई माइनस फाइव बाय सिक्स यानी फाइव पाई बाय सिक्स तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई फाइव पाई बाय सिक्स इसे मैं यहाँ पर लिखने के लिए माइनस रूट थ्री की जगह लिखता हूँ मैं कॉट ऑफ फाइव पाई बाय सिक्स हम यहाँ पर ये लाइन लिख लेते हैं कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स होती है जीरो टू पाई तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री की फाइव पाइव बाय सिक्स यानी कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री की वैल्यू है फाइव वै फाइव बाय सिक्स तो हमारी यहाँ पे टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की वैल्यू आ गई हमें यहाँ पे ये निकालना था यानी हम इन दोनों को सप्रैक कर देते हैं अब हम एल लेते हैं सिक्स एल आएगा हमारा टू पाए माइनस फाइव पा आ जाएगा माइनस थ्री पाए थ्री और सिक्स कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू आएगी माइनस फाइव बाय टू यानी इसकी वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई टू तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है